नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास स्नान का कथा अध्याय 11 सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्री मन्नारायण। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहाँ आगमन हुआ। उनकी तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आते देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरु जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही, उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपने कुछ में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसने सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के कुल आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तीज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया।
वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था, यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलो जय श्रीमन्नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।